भ्रष्टाचार तो बाद विच नेक्स्ट फिफ्थ है कारण टैक्सा विच वाधा जिहड़ी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उहदे विच लगातार वाधा हुंदा है जिहदे नाल की महंगाई की समस्या वधदी है कौन बोलेगा इहदे ते कौन एक्सप्लेन कर सकदा है टैक्सा विच वाधा भी एक कारण है महंगाई नूं वधाउण दा जो टैक्स वधदे ने जीएसटी हो गया वैल्यू एडेड टैक्स हो गया ये सारे वधदे ने तां इहदे नाल महंगाई किद्दां वधदी है एनीवन सोचो अगर टैक्स वधदे ने तां महंगाई किद्दां वधदी है नहीं आइडिया किसी नूं ठीक है देखो बेटा जो आप कोई भी चीज लैने शायद अश्मित ने लास्ट टाइम दसा सी सैटरडे जो आप कोई भी चीज लैने आप हर किते कपड़े लैने या मिठाई लैने कोई भी आप अपनी जड़ी जरूरत की चीज है ईवन आप राशन भी लैन जाते हाँ तो भी हमेशा टैक्स लगता है ठीक है टैक्सा के वाधा एक तो सरकार ने अपना टैक्स किया होंगे केंद्र सरकार ने अपने टैक्स लगाए होंगे ने ठीक है स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लगा देती है हमेशा ठीक तो होंगे हमेशा महंगाई के वाधा होंगे है राइट हम तुम देखा होगा हरेक स्टेट का अपना अपना टैक्स का कुछ परसेंट होंगे है ना वो की होंगे केंद्र सारे सेम करती है बट स्टेट अपन टर्म्स एंड कंडीशन लगा के अपने ही कुछ परसेंट एड कर देती है ठीक है सो इस तरह जो टैक्सा के वाधा होंगे है वो महंगाई की जी समस्या है वो भी वाधा होंगे है जो देखो दुकानदार ने अपना हमेशा प्रॉफिट लेना होंगे लाभ लेना होंगे ना उन्हें प्रॉफिट लेना है मान लो कि मिठाई की सरकार ने केंद्र सरकार ने रखा 5% ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट की करती है वो 7% लगा लेंदी है 2% होर वाधा हो जाता है ठीक है तो ये की होंगे महंगाई के हमेशा वाधा होंगे रहता है वह चीज़ा दुकानदार होर महंगी करता है क्योंकि उन्हें अपना लाभ लेना होंगे उन्हें अपने कुछ कमा होंगे है ठीक है सो इस तरह टैक्सा में वाधा भी एक कारण है महंगाई के वधन का नैक्सट है दोषपूर्ण आयात निर्यात नीति इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है दोषपूर्ण आयात निर्यात नीति आयात निर्यात की होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दसेगा कोई इंपोर्ट आयात एक्सपोर्ट निर्यात इसका की मतलब है आयात निर्यात पढ़िया नहीं हुआ तुसी सुनिया नहीं कभी भी आयात निर्यात किनू कहंदे ने आयात की हुंदा बेटा आयात हुंदा है कि जदों बाहरले देशां तों ओके दिया यस दिया जदों बाहरले देशां तों साडे देश विच समान आउंदा है उसनू आयात कहंदे ने ते जदों साडे देश विचों दूजे देशां नू समान जांदा है उसनू निर्यात कहंदे आ ठीक है गुड ओके इहदे नाल महंगाई किद्दां वधदी है देश विच आउण वाला समान जाउण वाले समान तो वध ज्यादा है जिस कारण सानू घाटा हुंदा है अते जाण वाला समान दी साडे देश विच विच डिमांड वध जांदी है जिस कारण महंगाई भी वध जांदी है ठीक है गुड आयात निर्यात देखो कि इहदे नाल की हुंदा आयात हुंदा है जो साडे बाहरले देशों तो साडे देश विच कोई समान आंदा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता ही रहिंदा आपां बाहरले देशों दे नाल व्यापार करते ही रहिंदे आ जिस तरह साडे इत्थे कणक जिहड़ी है वीट वो ज्यादा है आपां वो बाहरले देशों नूं भेजदे हाँ ठीक है
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟਾ ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਓ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਓ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਗਾਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਓ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਓ ਟੈਕਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਮਨੀਕ, ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋਪੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਅੰਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ,
मान लो अनाज का काल पै गया, सोका पै गया, तो अनाज का काल पै गया, सोका पेगा, मीह नहीं पेगा, वो की होगा फसल नहीं उगन गिया, ठीक है, फसलों की जोड़ी प्रोडक्शन है, उत्पादन है वह घट होएगा, ठीक है, उत्पादन घट होने की होंगे है वो ऑटोमैटिकली डिमांड घट जाती है, सप्लाई घटी डिमांड घट जाती है, ठीक है, पूर्ति ते मांग भी घट जाती है, ते फिर मांग घट जाती है तो वो की होंगे है जो ओ, बाकी फिर जो लोग लेंदे ने अगर कोई चीज़ तुसी हमेशा नोटिस किया होएगा जिहड़ी चीज़ की कमी होंगी है मार्केट में, ठीक है, मान लो कि तुहानू कोई चीज़ चाहिए है उस चीज़ की कमी होगी मार्केट में फिर वह चीज़ जिहड़ी है वह ज़्यादा महंगी हो जाती है क्योंकि लोग उन्होंने खरीदना सारे लोग खरीदना चाहते हैं पर उत्पादन जो है प्रोडक्शन है घट हों है ना कंपनियां घाटा पैंता है फिर कंपनियां की कर दिया ने जिनी जिनी उन्होंने कोल क्वांटिटी होंगी है उ चीज़ में वह रेट से वेचते हैं हूँ उन्होंने भी अपना घाटा नहीं खाना, ठीक है, सो इस तरह कुदरती करोपियां के नाल भी महंगाई बढ़ती है, क्लीयर है, ये 8 पॉइंट ने ये अगर होर कोई थानू पॉइंट आता है तो तुम दस सकते हो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, यस रमनीक चीजा दी घट पैदावर, ओके गुड, चीजा दी घट पैदावर ये की आएगा रमनीक yes ma'am चीजा दी घट पैदावर होने करके उसकी मांग बढ़ जाती है चाहे लिख सकते हैं जो अलग पॉइंट बनाना चाहते हो तो अलग पॉइंट बना सकते हो अर्शप्रीत निजीकरण जो किसी अदारे की वागडोर निजी कंपनियां दे हाथ सौंपी जाती है ता ये वस्तां दा मन मर्जी दा मुल तय करदियां हन क्योंकि इन्हां ते सरकार दा कोई कंट्रोल नहीं हुंदा इसलिए इन्हां दे निर्धारित मुल्लां दा कोई विरोध भी नहीं कर सकदा। वेरी गुड, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन हो जांदा जदों है ना, मान लो कि कोई कंपनी है या कोई इस तरह की मिल है जिहड़ी सरकार दे अंडर सी पर फिर उहदा निजीकरण हो गया उहनूं प्राइवेट कर दिता गया, काफी इस तरह दे सपोज बिजली, ठीक है, बिजली पहला सरकार दे अंडर सी हुण इह प्राइवेट कर दित्ती गई है बिजली है ना, ठीक है, ते इहदे नाल की हुंदा आ निजीकरण दे नाल जिहड़ा मालक है वह अपनी प्रोडक्शन दे लई सब कुछ उहदे हथ विच आ जांदा आ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो जांदी आ, सरकार दा इन्ना कोई खास रोल नहीं रहिंदा, उहदे नाल की हुंदा है वह जिन्नी मर्जी कीमतां दे विच वाधा कर सकदा आ, ठीक है, रेट वधा सकदा आ, ओके, सो ठीक, सो उहदे नाल की हुंदा आ हमेशा महंगाई वधदी है, क्लीयर है, यस अश्मित, मैम कुड यू प्लीज रिपीट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आल्सो अगेन, थर्ड पॉइंट पहला सी वध रही आबादी अश्मित, ठीक है, सेकंड सी काला धन, काला धन मतलब कि लोग अपने को दो नंबर की कमाई जमा रखते हैं, ठीक है, तो वो की होंगे है बाकी लोगों के पैसा नहीं इन्ना ज्यादा पहुँच पाता फिर सरकार को भी करना पैंता ऑटोमैटिकली टैक्स लगाने पैंते हैं है ना, तो ये फिर महंगाई बढ़ती है, दैन सी दोषपूर्ण सरमाएदारी ढांचा, ठीक है, सरमाएदारी ढांचा, सरमाएदारी ढांचा मतलब जेडी रिच परसन होंगे ने उन्होंने वाल सरकार का ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है, हम जिस तरह साड़ी भारत सरकार दे विच रतन टाटा अंबानी है ना उन्होंने इनवॉल्वमेंट ज्यादा होंगी है, ठीक है, सो ये कारण की होंगे है वह हमेशा उन्होंने दिया प्रॉफिट देखते हैं उन्होंने नीतियां अपनाते हैं तो आम जनता वाल कोई ध्यान नहीं दिता जाता तो ये कारण की है महंगाई बढ़ती है, ठीक है, दैन फोर्थ सी भ्रिष्टाचारी करप्शन, ठीक है अश्मित, यस मैम, थैंक यू मैम, ओके, सो टोटल 10 पॉइंट्स हो गए, ओके, वेरी गुड, राइट, सो नेक्स्ट है महंगाई नू कंट्रोल करन दे उपा, कंट्रोल कितना किता जा सकता है महंगाई नू, ठीक है, अपा महंगाई दी डेफिनेशन पढ़ ली हुंदा की है
ठीक है आप ये कारण पढ़ ले कि किना किना कारना करके ये बदली है। सो होने दे उपा किदा आप इनू कंट्रोल कर सकते हाँ महंगाई किस तरह कंट्रोल की जा सकती है रमनीक? यस मैम, महंगाई ने रोकने के तीन उपराले करने जरूरी हैं। पहला आबादी नु सीमित रखना, दूजा चीजा दी उपज विच वाधा किया जावे। जे चीजा चीजा दी साडे देश विच काट है तां उस नु बाहरले देश तों मंगवा के जरूरत नु पूरा किया जावे। तीजा चीजा नु खपत नु घटाया जावे पर सीधे टैक्स घटाने चाहिए हन, व्यापारक नीतियां लई नियम ते शर्तां होनियां चाहीदियां हन, आयात निर्यात ढंगां विच भी सुधार लियाना चाहिए है, काले धन का खात्मा भी करना चाहिए है। बजट विच अजिही व्यवस्था की जाए कि निजी कंपनियां अपने मन मर्जी अनुसार कीमत ना वधा सकन, कुदरती करोपियां नाल नजिठण लई पहला प्रबंध किए जान। इस अजिहे कुछ ठोस कदम हैं कि जो जो आपां नूं चुकने चाहिए हैं कि आपां दिनों दिन वधदी महंगाई नूं रोक सकीए। ठीक है, गुड राइट बेटा। जिन्ने साडे कारण सी ना आपां इन्हां दा सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है, कि टैक्सां दे विच वाधा इन्हां ना कीता जावे, आम जनता नूं भी ध्यान विच रख्या जाणा चाहीदा है, बजट हमेशा जिहड़ा है सोच समझ के बनाना चाहीदा है, ठीक है, जदों जिहड़ा फाइनैंस मिनिस्टर वालों वित्त मंत्री वालों बनाया जाता है, ठीक है। कुदरती करोपियां ते तां आपां खैर इन्ना ज़्यादा नहीं कर सकते ना, वो तो नैचुरल है, वह तो आनियाँ ही आनियाँ, पर आपां ये कर सकते हाँ कि उत्पादन दे विच जिन्ना हो सके कंपनियां नूं वध तो वध मजदूर रखने चाहिए ने, है ना, ताकि चीज़ों के उत्पादन के वध तो वध वाधा हो सके, ठीक है, जेदे नाल की है कि कीमत इन ज़्यादा ना वधन, ठीक है। होर की हो सकता है जिस तरह कई चीज़ों की खपत है उन्होंने घटाया जा सकता है, खपत होंगी है उन्होंने यूज वह जो मिस यूज है वह घटाया जा सके। जिस तरह पेट्रोल है, पेट्रोल दियाँ कीमतों में तुम देखा होएगा कि काफ़ी देर तो लगातार वाधा हो रहा है ना, कभी 5 रुपए पेट्रोल वध गया, कभी 10 रुपए पेट्रोल वध गया, वो खपत विच मतलब कि सानू जिन्ना हो सके सानू पेट्रोल नू सेव करना चाहिए है, ठीक है, बिजली की खपत जड़ी है उन्हों बचाना चाहिए मतलब कि सेव करना चाहिए है जिन्ना हो सके, ठीक है। ये आम नागरिक दे भी फर्ज हैं, आपां साडे भी फर्ज हैं, एवें नहीं कि आपां मान लो कि कमरे में कोई नहीं है तो आपां सारियां लाइटां जगा के बाहर चल गए हैं, है ना, टीवी भी चलता छड़ गए हैं, नो, ठीक है, या पेट्रोल है असी एवें ही फालतू की गड्डी इधर नूं घुमाई जा रहे हैं, या कि पैदल भी जाना हुंदा है 5 मिनट का रस्ता भी हुंदा है तां भी आपां एक्टिवा या कार लैके जाते हैं, नो, अगर जिथे जरूरत है सानूं हमेशा चीज़ों की खपत घटानी चाहिए है। ये आप सरकार के कामों भी वाधा करते हाँ, ठीक है। महंगाई का पहला भी मैं तुम दस महंगाई आम लोगों करके बदती हमेशा, सरकार ने तो चलो अपन पॉलिसीज बनानी है उन्होंने तो काम ही है, ठीक है, पर क्यों उन्होंने घाटा होंगे है इसलिए महंगाई बदती है, तो महंगाई फिर वह आम जनता तो वह टैक्स लगा के वसूलते हैं। सो सानू भी चंगे नागरिक बनना चाहिए है, सानू भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए है कि खपत जी है उन्होंने घटाना चाहिए है, ठीक है, तो जिहड़ी चीज़ की घाट होवे सिर्फ उही चीज़ खरीदनी चाहिए है, ठीक है, ज़्यादा लोग दिखावे विच नहीं पैना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे कारण ने राइट जिन्हां दे करके आप महंगाई नूं कंट्रोल कर सकते हाँ, ठीक है। लास्ट है सारांश, राइट, सारांश विच की तुसीं लिखोगे सेम यही चीज़ा आ सकदियां ने उपा वालियां कि महंगाई की समस्या जिहड़ी है वह भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, इस समस्या उत्ते सानू रोक लगानी चाहिए है, इहदे लई सरकार नू भी कुछ उपराले करने चाहिए हैं, कुछ यतन करने चाहिए हैं, तो आम नागरिकां नू या नागरिकां नू भी कुछ यतन करने चाहिए हैं जिहदे नाल यह समस्या जिहड़ी है वह हट सकती है, ठीक है। तीन कोटेशन मैं तुहानू लिखवातियां सीगियां, चौथी एक रमनीक ने दसी सी, ठीक है, अगर कोई होर कोटेशन आती है तो तुम ऐड कर सकते हो, वैसे ऐसे दे विच दो कोटेशन सफिशेंट होंदिया ने, ठीक है, राइट।
सो इन अपनी फेयर कॉपी ते लिख लियो और काम बच्चे नाल दी नाल कंप्लीट करना शुरू करो बिकॉज हॉलीडे होमवर्क हूँ किसी का मैं एक्सैप्ट नहीं करना मैं थोड़ा बहुत दिन देते 4-5 दिन हो गए हॉलीडे होमवर्क न ठीक है सो अज का थोड़े को दिन है अगर तुम अपना हॉलीडे होमवर्क सेंड कर सकते हो तो कर दो मैं कोई थानू बार बार नहीं कहना कि बेटा अपना हॉलीडे होमवर्क सेंड करो हमेशा थानू लगातार मैं 3-4 दिन हो गए मैं रिमाइंडर दे जा रही हूँ कि अपना हॉलीडे होमवर्क सेंड कर दो टाइमली जरा इश्तिहार दस सिर्फ ओदी इमेज ओनली ठीक है लोरी वाला जो तुम स्कूल आओगे उदो मैं अपना लोरी वाला पेज सबमिट करवा दियो राइट छुट्टियां इन्ना का काम तुम किया ही होगा कि एक इश्तिहार तो बना ही लिया होगा ठीक है सो उन्होंने टाइमली सेंड करो डोंट बी डिफॉल्टर्स राइट थोड़े मार्क्स लगने ने ये अकॉर्डिंगली सो जिन्होंने भेजता उन्होंने नंबर लग जाएंगे जिन्होंने नहीं भेजा फिर उन्होंने मार्क्स नहीं लगनगे क्लीयर है उस तो बाद फिर बेटा मैं 3-4 दिन बाद कॉपी चेक करनी शुरू करनी है ठीक है अपना जिन्ना भी काम है वह करी जाओ ठीक सो ACSA ओके अगर एसे लैटर कन्वर्ट करना हो ठीक है मान लो कि असी हैडिंग लिखो उपर अखबार के संपादक महंगाई बढ़ रही महंगाई की समस्या बारे पत्र लिखो फिर तुम ओ लिखना है समस्या किदा बढ़ रही है किदा आप कंट्रोल कर सकते हाँ है ना आप हूँ एसे तो बहुत वड्डा हो गया साडा असं डिस्कस किया नियर अबाउट 3-4 पेजिस हो गए होने है ना सो आप हूँ लैटर लिख रही है तो घट्टो घट एक पेज जो शीट होंगी है ठीक है ओदा एक पेज या 1.5 पेज वो तुम कि लिखना है एनी वन पहला प्रॉपरली तुम फॉर्मेट लिखोगे ठीक है ठीक है अखबार दे संपादक नूं अखबार दे संपादक नूं पत्र राही तुसीं दसना है कि महंगाई की समस्या जिहड़ी है वह दिनों दिन वधी जा रही है ठीक है सो तुसीं इहदे विच पहलां ते फॉर्मेट लिखोगे ठीक है सेम उही के प्रीख्या भवन डैश डैश केंद्र फॉर्मेट मैं तुहानूं लिखवाया होया है ठीक है प्रीख्या भवन डैश डैश केंद्र डैश डैश शहर मिति ठीक है जो भी होगी देन सेवा विखे लाइन कोई नहीं छड़नी ठीक है सिर्फ आपा लाइन चेंज करनी है देन आपा हुण लैटर किनू लिख रहे हाँ संपादक साहेब अखबार का नाम आएगा ठीक है अगर बाय चांस तुहानू पर्टिकुलर कोई अखबार का नाम दिता जा रहा है तो फिर तुसी वो लिख सकते हो रोजाना अजीत ठीक है देन इत्थे शहर का नाम आएगा क्योंकि इहदा जिहड़ा दफ्तर है वह जलंधर शहर विच है ठीक है देन विशा लैटर केड़ी है महंगाई की समस्या बारे ठीक है और विशा विच कदी भी पत्र वर्ड नहीं आता सो विशा डैश 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 ठीक है दैन कंटेंट मैटर फिर तुसी पहला की लिखते हो कि सनीमर बेनती है कि मैं डैश मोहल्ले का निवासी हाँ ठीक है दैन मैं तुहाडे अखबार का रोजाना पाठक हाँ ठीक है रोजाना मतलब मैं डेली तुहाडी अखबार पढ़ता हाँ या पढ़ती हाँ मैं तुहाडा ध्यान फिर मैं तुहानू दस्सिया सीगा जिहड़ी भी समस्या आएगी उहदे विच लिख देना हुण मैं तुहाडा ध्यान महंगाई की समस्या वल दिवाउणा चाहुंदा हाँ ठीक है उस तों बाद विच लैटर शुरू हो जाएगी कौन बोलेगा लैटर ये 2-3 लाइनां ना जिहड़ियां ये पैट ने ये जदों भी आपां अखबार के संपादक नूं लैटर लिखनी है तो असीं हमेशा इह वालियां लाइनां लिखनियां ही लिखनियां ने ठीक है कि सनीमर बेनती है कि मैं डैश मुहल्ले का निवासी हाँ मैं तुहाडे अखबार का रोजाना पाठक हाँ फिर जिहड़ी समस्या होएगी उहदे वल तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा हाँ राइट जिन्ना आपां ऐसे कीता डिस्कस कि जिहड़ी महंगाई है बहुत ही एक गंभीर समस्या है ठीक है जिहड़ियां कीमतां ने वह असमान छू रहियां ने लगातार या चीज़ां जिहड़ियां ने वह अग दे भाव विक रहियां ने
ठीक है, फिर तुसीं एक एक लाइन दे विच इन्हां दे कारण डिस्कस कर सकते हो कि यह वाले कारण दे करके महंगाई जड़ी है वो वध रही है। ठीक है, अपां हुण हर एक पॉइंट नूं डिटेल च नहीं लिखना, ठीक है, ये वालियां गल्लां करके महंगाई वध रही है। फिर आपां एंड विच कर देना है कि मैनूं उम्मीद है कि तुसीं मेरे विचारां नाल सहमत होवोगे ते इसनूं अपनी अखबार विच जरूर छापोगे। ठीक है, दैन लास्ट दे विच अगेन राइट साइड पे आप जी का विश्वास पत्र, डैश डैश नाम, डैश डैश पता। ठीक है, ये ग्रामर के दो टॉपिक ने, एक महंगाई की समस्या लेख, एक ये रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, इन्हों दोनों तुसी अपनी फेयर कॉपी से लिखना है कि ग्रामर पोर्शन लिखना, लिटरेचर पोर्शन च नहीं लिखना। ओके, लिटरेचर का आप सही सिर्फ हले तक माता गुजरी जी चैप्टर ही किया है। ओके, सो किसी कोई डाउट होए तो पूछ लो। कोई डाउट होए फॉर्मेट तुसी नोट कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है, और बेटा टाइमली काम करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर बाद में इकट्ठे थानू जो 10-12 पेज लिखने पैंदे ने फिर औखा होंदा है। ठीक है, और थानू मैं टेस्ट भी पा दिता इन ग्रुप विच, तुहाडा टेस्ट हर टाइम होया करेगा, सॉरी हर वीक होया करेगा। और टाइमिंग्स जिहड़ियां ने प्लीज जिन्हां थोड़ी जी प्रॉब्लम सी बेटा थानू मैनेज करना पएगा। ओके, 4 o'clock ते टाइमली तुसी कंसर्न टीचर नू अपना जिहड़ा टेस्ट है वह सबमिट करना है। ठीक, और डेली दे डेली कोशिश करो कि टेस्ट दिते जान। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, जनरल रीजन है, दैन तुसी कंसर्न टीचर नू मैसेज करो कि मैं इस रीजन करके टेस्ट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। ठीक है, एबसेंट नहीं होना टेस्ट विच बिकॉज तुहाडी तैयारी शुरू हो रही है हुण। ओके, सो टेस्ट डेली दो और ऑनेस्टली दे नाल टेस्ट दो। ठीक है,